गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार के ऑडिशन में। आज संडे हम फिर से आप लोगों के लिए रेडी हो गए हैं ऑडिशंस के लिए, न्यू द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार के ऑडिशंस के लिए, सिंगिंग ऑडिशन विच इज हैपनिंग ऑन द फेसबुक आई डी, नॉट ऑन फेसबुक पेज फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑन फेसबुक आई डी विच इज SD3 फिल्म्स विच इज रिटन इन हिंदी SD3 फिल्म्स। सो जनरली वी टेक ऑडिशन ऑन आवर फेसबुक पेज। समटाइम वी thought that the so many people also told us that there are more people connected on Facebook ID as well. They said also they don't get notification and all. So we decided that we would be taking audition on Facebook page and Facebook ID. We'll be taking audition on Facebook page on Saturday only 6 p.m. and on Facebook ID will be taking audition on Sunday 10 a.m. So कोई दोस्त आ गए हैं, सिंगर सचिन जी मेरे साथ वेटिंग रूम में देख रहे हैं। सिंगर सचिन जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सिंगर सचिन जी आप प्लीज लाइन पे बने रहे, मैं आपको जो है ऑडिशन के लिए लेने के लिए, मैं कॉल लेने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, आप लाइन पे बने रहिए। तो दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों को इसके रूल्स के रिगार्डिंग और कुछ चीजें, मैं टेक्निकल चीजों पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले इसके रूल्स के रिगार्डिंग आपको पता है, जैसे कि आपने बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऑडिशन दे चुके हैं और देख भी चुके हैं, जो नए हैं उनके लिए स्पेशली कहना चाहूंगा मैं कि आपको फेसबुक पेज पर आना होता है, जिसमें आपके पास बी लाइव एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए आपके मोबाइल फोन में। और उसके बाद आपको जो हम लिंक सेंड कर रहे हैं, जो मैंने अभी सेंड कर चुका हूं और अभी सेंड भी करूंगा, तो वो लिंक पर आपको क्लिक करना होता है दोस्तों। उसके बाद आप हमें जो है कॉल कर पाते हैं, आपका कॉल मेरे पास आता है, जिस तरह से अभी हमारे पास सिंगर सचिन जी लाइन पर हैं, उसी तरह से कॉल आपका आएगा, तभी मैं आपका कॉल पिकअप कर पाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप बिल्कुल ये लिंक में जाइए और उसके बाद में लिंक में क्लिक करके हमारे साथ कॉल पे जुड़िए और अपना ऑडिशन दीजिए। दूसरी चीज, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात जो करना है, उस पर मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, ये एक इंडिया का ओनली वन ऑनलाइन सिंगिंग ऑडिशन है जो इस कॉन्सेप्ट पे, हम इस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी लोग हमारे साथ जुड़ सके, सभी लोग हमारे साथ जो है ऑडिशन दे सके, और कहीं भी किसी भी इलाके से हो, किसी भी जगह से हो, वो कर सके। तो इसलिए हमने ये स्टार्ट किया है। इसमें रूल्स, आपको फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना कंपलसरी है दोस्तों। अगर आप उसको नहीं करके भी ऑडिशन होता है, हो जाता है आपका कई बार, तो फिर हमें वहाँ पे जो लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं होता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते। रीजन व्हाई, बिकॉज हम लोग इसके रिजल्ट को हम फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर, स्पेशली यूट्यूब चैनल पर हम जो है अपलोड करते हैं, जो कि यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने के बाद आपको जो है वो हर नोटिफिकेशन आपके पास आता है। अगर आप सिलेक्शन भी हो जाता है, उसके बाद में आप अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाता और आप फिर मिस कर देते हैं, ऑडिशंस को मिस कर देते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो दिस वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम, राइट, योर वेस्ट ऑफ टाइम एंड आर ऑल्सो। तो इसलिए आपको फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है, कंपलसरी है दोस्तों। और दूसरी चीज, इसमें हमारे जज के बारे में मैं कहना चाहूंगा, भाई स्वरित कुमार, स्वरित शुक्ल, जो कि इंडिया के बहुत ही उम्र में तो बहुत ज्यादा नहीं है, एक यंग एज में है, लेकिन बहुत ही शास्त्रीय संगीत के दिग्गज हैं, दिग्गज माने जाते हैं, बड़े बड़े लोग, अभिजीत दा, सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक जी, हमारे आशा ताई, सभी उनको दिग्गज मानती हैं, क्योंकि उनकी जो शास्त्रीय संगीत की कैपेबिलिटी है वो अद्भुत है। उनको इवन सुखविंदर साहब ने तो उनको बोल चुके भी हैं कि दुनिया का आठवां अजूबा अगर कोई कहना पड़े मुझे, तो मैं अपने गले के ऊपर हाथ की कसम खा के बोलता हूँ कि मुझे ये स्वरित जो है आठवां अजूबा नजर आते हैं। वो तब कहा था दोस्तों जब वो सिर्फ 8 साल के थे, आज से 2009 की बात है, जब वो लिल चैंप में थे, तो अभी तो उन्होंने, और अभी उसके बाद अभी जो उनके अंदर जो म्यूजिक की क्वालिटी है वो एक अद्भुत है। तो इसी के लिए हमने उनको लिया भी एज अ जज, हमने उनसे इसमें उनको स्वागत किया भी इसीलिए है कि हमारे कंटेस्टेंट को जो है एक अच्छे से अच्छा फीडबैक मिल सके और राइट एकदम रियलिटी हो सके हमारे रियलिटी शो में, क्योंकि आज के रियलिटी शो, आप कोई भी बड़े रियलिटी शो के मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा दोस्तों, ओनली ड्रामा, ये एक तरह से मान के चलिए एकता कपूर के फैमिली ड्रामा सीरियल से कम नहीं रह गए।
हालांकि मैं एकता कपूर जी की इसमें कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। उनके जैसे फिक्शन जो रहता है, फिक्शन उनके ड्रामाज में फिक्शन रहता है, अच्छी बात है। तो वो सीरियल है, अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे पॉपुलर भी हैं। लेकिन रियलिटी शो का मीनिंग क्या है जब फिक्शन आप करते हैं? तो ये रियलिटी हो सके इसलिए हमने अच्छे से अच्छा फीडबैक मिल सके सूरज भाई को लिया है। तो उनके हाथ में मार्क्स दे सकते हैं, वो 50 मार्क्स तक। आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना होता है, आपके कंपिटिटर से ज्यादा मार्क्स लेना होता है। हर एपिसोड से हम 2 या 3 सेलेक्ट करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना होता है, जिसमें 50 तक, अप टू 50 मिनिमम अटेम्प्ट 30 मार्क्स हमारे सोजित भाई देंगे। उसके अलावा आपको गेन करना होता है, उसके अलावा जो मार्क्स हैं आपके, हमारे दर्शक जितना लाइक करते हैं आपको, कितना पसंद करते हैं, उससे डिपेंड करता है दोस्तों। तो वो का आपको कितना मार्क्स देते हैं, पर 15 लाइक्स यू विल बी गेटिंग 5 मार्क्स, सो इट विल बी एडेड ऑन व्हाट एवर यू हैव गॉट फ्रॉम द जज, राइट? लाइक इफ आवर गर्ल्स स्वरित शुक्ल गिव्स यू 40 मार्क्स, यू रिक्वायर 20 मार्क्स मोर, सो दैट यू हैव टू अटेंड by liking your videos on YouTube channel, which will be uploaded on our YouTube channel today. So, दोस्तों बन गए हमारे साथ। मैं हमारे जज कुमार सोरीत भाई का मैं स्वागत करने जा रहा हूँ इसमें। उसके बाद में हमारे पास सिंगर सचिन जी भी आ चुके हैं, उनको अभी मैं कॉल पे लेता हूँ। पहले हमारे सोरीत भाई को मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे एक सिंगिंग स्टार में। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। सचिन जी आप प्लीज लाइन पे बने रहें, मैं आपका कॉल लेने के लिए बिल्कुल हमारे जज सोरीत भाई को मैं कॉल पे ले रहा हूँ। सोरीत गुड मॉर्निंग, द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में गुड आपका मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एसडी सर, थैंक यू। सोरीत, जैसा कि हमने कल हमारे ऑडियंस से कमिट किया था, हमारे कंटेस्टेंट से कमिट किया था कि हम कल संडे को 10 AM में हम ऑडिशन लेंगे, कहीं हमारे कंटेस्टेंट ने हमारे फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप नंबर पे, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, उस पे मैसेज किया था कि हम संडे को ही दे सकते हैं सर, तो संडे को भी रखिए, जिसके कारण हमने संडे को भी हम कभी कभी रखते हैं, बट सैटरडे हमारा फिक्स है 6 to 7, लेकिन संडे को भी हमने इसे एक बार पहले भी किया था, आज भी हम आ गए हैं। तो सरित आपका अगेन मैं स्वागत करता हूँ द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में। आई थैंक होप विच विल क्रिएट द हिस्ट्री इन बॉल इन इंडियन रियलिटी शो इंडस्ट्री यू। स्पेशली या आई होप हाँ सो, यस क्योंकि ये पहले टाइम ऐसा कोई इस पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से कोई कर रहा है पहली बार कि आप लाइव ऑडिशंस ले रहे हो, वो भी सोशल मीडिया पर, क्योंकि सारे के सारे जो रहते हैं वो सब ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑडिशंस रहते हैं, लेकिन हम लाइव लेते हैं यहाँ पर। आपको आपके घर से ही पूरा, आपको घर पर ही ऑडिशन देने का मौका मिलता है, और आपको कहीं इधर उधर जाने का और नहीं करना रहता है, कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता आपको। तो यही है एसडी सर का इनिशिएटिव। तो सॉरी, आपके सहयोग से ये संभव हो पाया है, इस चीज के लिए मैं हार्टली एकदम थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। आपके द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार की जो वैल्यू बहुत बढ़ गई है आपको स्क्रीन हाँ पे पाकर। अब हमारे साथ एक सिंगर सचिन जी आ चुके हैं, उनको कॉल भी लेते हैं सॉरी, तो हम आगे बातें करते रहेंगे बीच के टाइम में, तो उनको कॉल भी लेते हैं, उनका या ऑडिशन करते हैं, काफी टाइम से वो वेट कर रहे हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग, द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में आपका स्वागत है। सचिन सचिन जी, जी आपकी आप आवाज नहीं आ रही है। सचिन जी आपकी आवाज, जस्ट लेट मी चेक हियर। सचिन जी द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में आपका स्वागत है, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। जी हाँ, सचिन जी आपका पूरा नाम बताएं और आप कहाँ से हैं प्लीज बताएं, उसके बाद में आप कौन सा गाना गाएंगे बताएं, और एक स्थाई और एक अंतरा गाइएगा प्लीज। सर मेरा नाम सचिन द्विवेदी है और मैं यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट ओके हूँ, और मैं जगदीश सिंह का चिट्ठी ना कोई संदेश क्या अभी बात सुनाना है, चाहता हूँ। क्या नहीं बात, क्या बात है, प्लीज स्टार्ट कीजिए सचिन जी। चिट्ठी ना कोई संदेश, ओ चिट्ठी कोई संदेश, कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश,
जाने वो कौन सा जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन। जी सॉरी, सचिन जी का कॉल किसी वजह से डिस्कनेक्ट हुआ है, और देखते हैं उन्हें अगर वो कॉल पे आते हैं या हमें इसी उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर वो कॉल पे नहीं आ पाते, उनका किसी वजह से उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा था, लेकिन उनके लिए आप जैसे हमने कुछ लाइन सुनी है, तो अगर वो अगेन आते हैं तो ठीक है, लेकिन इस लाइन के आप किस तरह से उनको फीडबैक देना चाहेंगे और मार्क्स भी आप कितना देना चाहेंगे इस उस पे? अगर वो नेक्स्ट आते हैं तो फिर हम उस चीज को कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया बीच में। अगेन वो कॉल पे आ गए सुरित भाई, उनको कॉल पे लेके ज्यादा बेटर होगा कि उनको सुन ले। आपकी आवाज नहीं आ रही सुरित मुझे, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी, जल्दी से उनको कॉल पे लीजिए। हाँ, उनको कॉल पे लेता हूँ, जी जी हाँ सॉरी। सचिन जी, हाँ सचिन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आई थिंक आपके यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है नेटवर्क लगती प्रॉब्लम है। है सचिन जी के पास साथ में हाँ सचिन जी, आपके अभी यहाँ थोड़ा सा तक नेटवर्क। का। हाँ, आप सुन पा रहे हैं सचिन जी हमें? हेलो सचिन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है, हमें ब्रेक भी हो रही थी और बीच में आपके गाते गाते डिस्कनेक्ट भी हो गए थे। तो सचिन जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट यू नो लाइक यू शुड कम ऑन नेटवर्क एरिया। आपको नेटवर्क जहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिल पाए वहां पे आप आ जाइए थोड़ा सा। अगर आप घर के अंदर हैं तो आपके विंडोज या फिर डोर्स ओपन कर दीजिए, सो दैट यू नो लाइक नेटवर्क वुड कम। तो अभी आपको आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? हाँ सर, बिल्कुल। सचिन जी, आप फिर से गाना गाना चाहेंगे इस गाने को? तो आप एक स्थाई भी गाएंगे जी सर, तो बिल्कुल। चलेगा, पहले आपका जो है आवाज नहीं आ रही थी आपकी अच्छे से, तो फिर से गा लीजिए। सचिन जी, आप थोड़ी ऐसी जगह आ जाइए जहां पर इंटरनेट और नेटवर्क थोड़ा अच्छा मिल जाए, क्योंकि आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही थी और इसी वजह से कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गया था पिछली बार। एग्जैक्टली, ठीक, मैं आ गया नेटवर्क में। जी हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल, आप गाइए। गाइए जी, बिल्कुल। चिट्ठी न कोई संदेह, ओ चिट्ठी न कोई संदेह, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेह, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, कहां तुम चले गए, इस दिल पे लगा के छे, जाने वो कौन सा दे जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम कि जब तुम चले गए। चिट्ठी कोई संदेह, जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए। क्या बात क्या बात है सचिन जी, आपने बहुत ही अच्छा गाना आपने सिलेक्शन किया, काफी अच्छा सॉन्ग है ये जो है, हमारे जगजीत साहब का सॉन्ग है, और काफी अच्छा उन्होंने निभाया था। और उनके गाने सुनते हैं तो उनकी आवाज की मधुरता, उनकी जो मखमली आवाज है, हमें हमेशा जो है हमारे दिल में गूंजती रहेगी, वो हमारे बीच में ही फिर भी। तो हम सुनते हैं सचिन जी हमारे जज भाई स्वरित शुक्ला आपको कितने मार्क्स देते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी सचिन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो शायद थोड़ा सा
इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से हम पिछली बार नहीं दे पाया था, लेकिन फिर भी इस बार भी वही वाली मुझे थोड़ी सी एक जो प्रॉब्लम दिखी आपके गाने में, आप जो गा रहे थे ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, तो ये तो संदेश जो है ना, तो आखिरी का जो स है वो सुनाई देना चाहिए। मुझे लगा पिछली बार कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया, लेकिन इस बार भी वो संदेश जाने वो कौन सा देश, बस बाकी पूरा शब्द सुनाई दे रहे थे लेकिन वो दो शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे। तो हो सकता है आप उन शब्दों को या तो धीरे गा रहे हो या स्किप कर रहे हो, तो उन पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वो क्या वर्डिंग्स का महत्व बहुत होता है गाने में, तो आप अगर उन पर ध्यान दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपने बहुत ही अच्छा गाया। सुरित भाई, इनको मार्क्स कितना देना चाहेंगे आप? मार्क्स की बात है तो मार्क्स में इनको 35 को देना ही चाहूंगा। बिल्कुल सचिन जी, 35 मार्क्स आउट ऑफ आपको 50, 35 मार्क्स मिले हैं। बाकी सचिन जी, आपको हमारी पब्लिक कितना लाइक करती है? ये जो आपने गाया, ये वीडियो जो है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएगा, अभी आज ही जाएगा, तो आपको कितना लाइक्स मिलते हैं, हमारे दर्शक आपको कितना लाइक करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। 35 अब आपके हो गए हैं, आप अगर 60 क्रस करते हैं मार्क्स लेके, हमारे पब्लिक आपको लाइक करती है आपके वीडियो को, तो डेफिनेटली आप जो है सिलेक्शन होकर नेक्स्ट राउंड में आएंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हम आपको सबको ऑडिशंस के बाद, हम ये फर्स्ट राउंड हमारे पूरे फिनिश होने के बाद हम आप लोगों को अपडेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऑलरेडी जो सिलेक्शन हो चुके हैं उन कंटेस्टेंट का भी हमारे पास मैसेज और फोन आया है नेक्स्ट राउंड कब होगा। तो दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहूंगा सचिन जी के माध्यम से, जैसे सचिन जी को बता रहा हूँ, तो आप सब लोगों के लिए ये कि ये ऑडिशन राउंड हमारे 3-4 हफ्ते और चलेंगे, उसके बाद में जो है आपका जो है सेकेंड राउंड होगा, और जो कंसीडर्ड में है उनका राउंड भी होगा। तो सचिन जी, थैंक यू सो मच, तो आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ, और इसमें आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको शेयर करते रहे ग्रुप में, जितने ग्रुप में हो सके आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जी सॉरी, जैसे कि अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम की चीजें, तो हमारा जैसे जो हमारा साथ हमेशा देती रहेगी टेक्निकल प्रॉब्लम्स, वो हमारा जी साथ हाँ, क्योंकि अभी क्या, अभी ऐप का प्रॉब्लम भी नहीं था ना, हमारा प्रॉब्लम था ना ऐप का प्रॉब्लम था, अभी जो था इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम, इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि मैं और आप अच्छे से बात कर सकते हैं, अगर हमारे बातों में दिक्कत हो तो हम ये समझ सकते हैं कि थोड़ी प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप और मैं हम ढंग से बात कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ कंटेस्टेंट्स जो शायद जुड़ नहीं पाते हैं या जुड़ने के बाद में थोड़ा सा कुछ ब्रेक हो जाता है, तो वो हो सकता है वो गलती उनकी तरफ से हो, क्योंकि इंटरनेट आपको कनेक्शन ढंग से नहीं मिलेगा तो इट्स नॉट पॉसिबल, हम कोई दूसरा ऐप भी लें, स्काइप भी लें, तो भी उसमें भी प्रॉब्लम तो यही आएगा। एग्जैक्टली ये, क्योंकि ये ऑनलाइन ऑडिशन है, और ऑनलाइन ऑडिशन है, बिल्कुल सही बात। एग्जैक्टली क्योंकि ये जो है ऑनलाइन लाइव होता है, तो आपको जो है अच्छे नेट इंटरनेट की कनेक्शन की जरूरत होती है, अच्छी जगह है ये, और अच्छे कनेक्शन की जरूरत होती है, जिससे कि आप जो है ऑडिशन अच्छे से दे सके, आपके वॉइस अच्छे से आ सके, और जो है आगे आपको प्रॉब्लम ना हो वाइल सिंगिंग। तो कुछ यहाँ पर कमेंट्स आए हैं सॉरी, मैं उनसे कमेंट्स एक बार जाना चाहूंगा, क्योंकि कमेंट्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे फ्रेंड्स को, हमारे कंटेस्टेंट को, मैं एक बार उनके पास जाना चाहूंगा। सूफी सिंगर छोटू ब्रिजवासी नाइस बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच सूफी जी, थैंक यू सो मच। मैंने आई थिंक आप लोगों को जो कमेंट्स किए हुए हैं उनको भी मैंने सेंड किया है मैसेज में, ये ऐप लिंक, सो आप उस पर क्लिक करके आ सकते हैं आप उसके लिए। सिंगर रवि तिवारी बोल रहे हैं, हेलो रवि जी, हाउ आर यू, और आई थिंक आपको भी मैंने ये सेंड किया है ऐप लिंक, आप उस पर क्लिक करके हमारे साथ आ सकते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज हम लोग ऑडिशन हम लोग लेंगे आज हाफ एन आवर के लिए, जैसे कि अब थोड़े ही देर हम ऑडिशन के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि जो सैटरडे को नहीं दे पाते सिर्फ उनके लिए ही हमने आज वो किया है, ऑडिशंस के लिए किया है, और इसमें कुछ कंटेस्टेंट हैं जिनके मुझे दिख रहा है कि वो लाइन पर हैं, एक बार उनसे लेते हैं। मुझे सुखराज जी और सिंगर सोहन जी दिख रहे हैं, तो मैं एक बार ऑडिशन हो चुका है, शायद दोनों का ही हो चुका है, दोनों का ही हो चुका है। हाँ, सोहन जी का भी हो चुका है क्या? हो चुका है, मेरे को याद है, आप एक बार उनको सोहन जी को, सुखराज जी आप बिल्कुल बने रहे हैं हमारे साथ, आपका कॉल हमारे पास आ रहा है, बिल्कुल हम आपको देख पा रहे हैं लाइन पे, लेकिन आपको आपका ऑडिशन हो चुका है, आपका अगर सिलेक्शन में या कंसिडर्ड में है तो आपका जो नेक्स्ट राउंड के लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मैं संतोष जी को एक बार लेके बात करना चाहूंगा उनसे कॉल पे लेके, कि उनका क्या हुआ है या क्या।
सोहन जी, गुड मॉर्निंग द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सोहन जी, आपका ऑडिशन पहले हुआ है या फर्स्ट टाइम ऑडिशन दे रहे हैं आप? फर्स्ट है सर, अभी तो हुआ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एक सोहन जी ने पहले ऑडिशन दिया था तो आप अलग सोहन जी हैं। बिल्कुल सोहन जी, आपका स्वागत। हाँ, ऐसी थोड़ी सी हो। मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ सर, वो सोहन जी कहीं और से होंगे। एग्जैक्टली जी, हाँ बिल्कुल। सोहन जी, आपका स्वागत करता हूँ द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में। आपका पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से प्लीज वो बताएं, उसके बाद में आपका जो है गाना गाएं प्लीज। सर मैं राजस्थान से हूँ, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ओसिया तहसील से, बापिनी गांव से हूँ मैं। ब्राह्मण हूँ, पंचार्या जी। गाना कौन सा गाएंगे आप जी? दिल दिया है जान। गाइए, बहुत अच्छा गाइए। जी हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, वतन तेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा, मजहद पे इल्जाम है, दिल दिया है जान भी देंगे, वतन तेरे लिए। सोहन जी, क्या बात है, गाना काफी पुराना और काफी अच्छा गाना है ये। और समीर वर्मा जी भी लाइन पे हैं। समीर जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल लाइन पे बने रहें, और सोहन जी के बाद मैं आपका कॉल लेने जा रहा हूँ। बिल्कुल आप लाइन पे बने रहें। तो सोहन जी, आपने काफी अच्छा गाना सिलेक्शन किया, आपने कैसा गाया, आपका कितना मार्क्स देना चाहेंगे हम स्वरित भाई से जानना चाहेंगे उस चीज के लिए। प्लीज स्वरित, आप बताएं, इनको फीडबैक दें और इनको मार्क्स दें। सोहन जी, आपने अच्छा गाना लिया, देशभक्ति गाना था, बहुत कम लोग गाते हैं लेकिन गाना चाहिए हमें। और दूसरी बात ये है कि आप ना थोड़ा सा, आपका स्वर का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे हर व्यक्ति में कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं गाने के टाइम पे, आप थोड़ा सा ना अपने वोकेबल्स पर और उसके बाद में अपने प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप जैसे खुद ही आप देखते होंगे, आपका मुंह पूरा नहीं खुलता है जब आप कोई सा शब्द बोलते हैं। तो आपने स्टार्टिंग का आलाप लिया तो आपके दांत थोड़े बंद थे, मैं देख भी सकता था, तो वो चीज़ क्या हमारे गाने को आधा कर देती है। तो आप ना अगली बार से गाओ तो पूरा माउथ खोल करके और एकदम पूरे कॉन्फिडेंस से गाइए, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स की बात रही तो मैं आपको 40 देना ही चाहूंगा आराम से। बिल्कुल सोहन जी, सोहित भाई ने आपको 40 मार्क्स दिए हैं, आपका बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं ये। आप कुछ बाकी मार्क्स, पब्लिक आपके इस वीडियो को कितना लाइक करती है यूट्यूब चैनल पर हमारे, उस पर डिपेंड करता है, और उस पर जो है आपको कितना लाइक करती है, आप अगले राउंड में जाएंगे कि नहीं वो पब्लिक डिसाइड करेगी। बाकी तो आप हमारे साथ आए, आप हमने हमारे शो में परफॉर्म किया, उसके लिए मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, और जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सोहन जी, विश यू ऑल द बेस्ट। सॉरी, समीर जी भी लाइन पे हैं। जी हाँ, कमेंट भी हैं, तो जो लाइन पे हैं उनके पहले हम लोग ऑडिशन कर लेते हैं, कमेंट्स पे चर्चाएं करेंगे हम समीर जी की का जो है ऑडिशन ले लेते हैं, उसके बाद में हम जो है उस चीज पे चर्चा करते हैं। समीर जी, गुड मॉर्निंग द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में आपका स्वागत है। हेलो, कनेक्ट नहीं हुआ शायद। हेलो समीर जी, द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में आपका स्वागत है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो समीर जी, समीर जी आप प्लीज अच्छे नेटवर्क वाले इलाके में आ जाइए। मैंने आपका कॉल एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आपका कॉल किसी कारण से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप हमें देख भी नहीं रहे हैं और आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, जिसके कारण मैं ये कॉल यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। आप फिर से कॉल कीजिए इसको, आप अच्छे थोड़ा सा नेटवर्क वाले इलाके में आके आप थोड़ा सा अच्छे से फिर से कॉल कीजिए, तो दैट इट वुड बी कनेक्टेड।
सोहन शर्मा जी का कॉल आ रहा है। सोहन जी आपका ऑडिशन हो चुका है, तो प्लीज आप इसको देख सकते हैं और शेयर कीजिए प्लीज। कॉल जो है आपका हो चुका है, आपको जो है नेक्स्ट वीक तक आपको वेट करना होगा रिजल्ट के लिए। सॉरी, कुछ कमेंट्स पे मैं चर्चा करना चाहूंगा, कुछ कमेंट्स आए हैं। सिंगर राजू पंडित जी, मुझे भी सुनना है गाना सुना। अच्छा, सुनाना है जी। हाँ, गाना सुना। राजू जी, मैंने आपको देखिए आपको मैसेज में भी मैंने आपको देखिए एक सेंड किया है एक लिंक, उस पर क्लिक करके आप आ सकते हैं। उसके लिए आपको बिलाइव एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद ही आपका कॉल मेरे पास आ पाएगा। मैं आपका कॉल को जो है एंसर कर सकता हूँ, कॉल को कनेक्ट कर सकता हूँ। देखते हैं, समीर वर्मा जी का कॉल मेरे पास आ रहा है, समीर को भी कॉल पे लेना जा रहा हूँ। समीर जी का कॉल आ रहा है, मैं कॉल पे लेने जा रहा हूँ। हेलो समीर जी, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में आपका स्वागत है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो समीर जी, समीर जी आपको हमारी आवाज आ रही है? आप हमें देख नहीं रहे हैं और आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। आपका कॉल तो कनेक्ट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क वाले इलाके में आ जाइए आप। समीर जी शायद नेटवर्क वाली जगह नहीं बैठे। हाँ, अगर आप अंदर साइड बैठे हैं रूम के, या फिर तो थोड़ा सा बाहर आ जाइए, या आपके विंडोज ओपन कर लीजिए या डोर ओपन कर लीजिए, सो दैट यू'ड गेट गुड नेटवर्क। समीर जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, प्लीज आप एक बार नेटवर्क वाले इलाके में आके फिर से कॉल कीजिए। आई थिंक सॉरी, उनका जो है नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और उसपे फिर से अगर उनका कॉल आता है तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। और कुछ कमेंट्स हैं कुछ, तो मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा। सिंगर राजू पंडित जी, मुझे भी सुनाना है। राजू जी बिल्कुल, आप हमारे जो लिंक प्रोवाइड किया गया है उस पे आके आप जो है एक ऑडिशन दे सकते हैं। मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया है, और आपको कमेंट बॉक्स के अलावा मैंने मैसेज भी किया हुआ है लिंक, आप उस पे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ऑडिशन दे सकते हैं। आज के लिए हम ज्यादा टाइम नहीं है, अगर हम ज्यादा वक्त नहीं है, अब थोड़े ही देर में हम ऑफलाइन होने वाले हैं। आज के लिए ज्यादा ऑडिशन हम रखे नहीं है, हाफ एन आवर के लिए हम लोग ऑडिशन के लिए हम लोग ऑनलाइन आए थे। जिनका सैटरडे को नहीं हो पाता है, उनको संडे को भी वो दे सकें ऑडिशन, इसलिए हम आए थे, जो कि टाइम धीरे धीरे कंप्लीट होने जा रहा है। और इसमें कई टेक्निकल चीजों के कारण कई ऑडिशन के लिए जो है इंटरेस्टेड तो होते हैं सॉरी, सभी जो है काफी रिस्पांस आता है हमारे यहाँ व्हाट्सएप नंबर पे और फेसबुक पेज पर भी काफी मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें टेक्निकल चीजों के को थोड़ा सा परफॉर्म ना होने के कारण उनको प्रॉब्लम्स आती है। तो उस चीज के लिए दोस्तों आप किसी फ्रेंड्स का भी आप हेल्प ले सकते हैं, जो अच्छे से जानते हैं इस चीज को किस तरह से टेक्निकल चीजें ऑपरेट करना है, तो उनका भी आप हेल्प ले सकते हैं। और सिंगर राजू जी और समीर जी का कॉल आ रहा है, सॉरी पहले मैं राजू जी को कॉल पे लेने जा रहा हूँ, उसके बाद लेता हूँ। समीर जी आप तब तक टाइम पे बने रहे। सिंगर राजू जी को मैं कॉल पे लेने जा रहा हूँ, राजू पंडित जी को, तो राजू जी को कॉल पे लेता हूँ बिल्कुल। राजू जी, द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। राजू जी आपका पूरा नाम बताएं और आप कहां से हैं प्लीज वो बताएं, और आप कौन सा गाना गाएंगे, स्टार्ट कीजिए प्लीज। सर मैं यहां पंजाब से हूं और रहता यूपी से हूं, यहां शुरू से पंजाब में रहता हूं सर, और मैं आपको हिंदी पंजाबी जो बोलेंगे आप वही सुना सकता हूं। बिल्कुल, आप जो बेस्ट गा सकते हैं वो गाइए। चलो सर मैं हिंदी सुनाता हूं आपको, हारमोनियम पे सुना सकता हूं सर? जी हां बिल्कुल, हारमोनियम का यूज ले सकते हैं। चलो सर सुनिए जी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा,
अंतर क्या दोनों की, चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक राधा हो एक मीरा मीरा के प्रभु गिरधर नाग राधा के मन मोहन सागम साग सागम पद पद म प रे म रे म ग गरे सनि धरे आ प्रभु गिरधर गिरधर नाग राधा के मन मोहन एक मुरली एक पायल एक पगली एक गायल अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी एक राधा एक मीरा। राजू जी आपने गाना सॉन्ग सिलेक्शन तो आपने काफी अच्छा सॉन्ग सिलेक्शन किया और कुछ चीजें आपको बजाने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही थी आपके। हाँ सर, सर वो अगर आप पूरा गाना लग रहा था। बजा सकते हैं एग्जैक्टली नहीं, मतलब कई बार होता है पूरा गाना हम लोग अगर नहीं रेडी होता है हारमोनियम पे तो आप सापसा लगा के भी आप उस चीज को गा सकते हैं कॉर्ड देके। बिल्कुल जी सर, जी सर, और बाकी चीजें हम सुनते हैं सोरी भाई से और वो आपको कितना मार्क्स देना चाहेंगे, क्या फीडबैक देना चाहेंगे संगीत से, बहुत ही डॉन है वो। पहले तो डॉन मत कहिए मुझे, क्योंकि एसडी सर ने बहुत बड़ी बात बोल दी थी अभी कि कॉर्ड्स लगा के गा सकते हैं। मेरे दिमाग में सबसे फर्स्ट थिंग यही आई थी, पर बहुत एकदम सही बोला था अपने एसडी सर कि हमारा ना, क्योंकि अभी क्या हुआ था ये गा रहे थे ना, इनका गाना आधा हो गया था और हारमोनियम पे ध्यान था, और हम हारमोनियम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे गाने में आसानी हो। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी कुछ हो गई थी कि ये हारमोनियम के साथ साथ गा रहे थे, मतलब हारमोनियम पे जो स्वर लग रहा था ना वो ये गा रहे थे, जबकि हमें हम जो गा रहे हैं वो वाला स्वर हारमोनियम पे लगना चाहिए। हम हारमोनियम पे आश्रित नहीं, हारमोनियम हमारे ऊपर आश्रित है। तो आप आपने थोड़ा सा ना गंगा को उल्टा बहा दिया था, तो वो चीज थोड़ा सा दिक्कत दे गई। बाकी आपने अच्छा गाया और आप देख देख कभी हारमोनियम ना कभी भी देख देख के नहीं बजाना चाहिए, हम देख के तब बजाते हैं जब हमें आता नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो उस गाने को तैयार करिए और आप उसको बिना देखे बजाएंगे, आप बिना देखे बजाएंगे ना तो आपका गाने में ध्यान लगेगा। तो मैं आपको देख रहा था, आप पूरे टाइम हारमोनियम को देख रहे थे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, आप सुरीले हो लेकिन बस आप हारमोनियम में खो गए थे, होना चाहिए था। और मार्क्स की बात है तो मैं आपको 35 देना चाहूंगा और बाकी तो एसडी सर बता ही देंगे आपको। क्या बात है राजू जी, आपको जो 35 मार्क्स हमारे सोरीत जी ने दिया है और बाकी मार्क्स आपका ये जो है और ये वीडियो आपका यूट्यूब चैनल पर जाएगा आज हमारे, तो जिसमें आपको पब्लिक कितना लाइक करती है उस पर डिपेंड करता है। 15 लाइक करते हैं तो 5 मार्क्स मिलते हैं राइट आपको, और उससे जैसे फेवरेट अगर 30 में लाइक करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, इस तरह से मिलते हैं मार्क्स। तो आपने बहुत अच्छे से कोशिश की इसमें हमारे इसमें परफॉर्म करने की, उसके लिए थैंक यू सो मच, बन रहे हमारे साथ और इसका जो रिजल्ट है सिलेक्शन रिजल्ट हमारा नेक्स्ट वीक आएगा, तो जी आज अपलोड होगा और उसके बाद पब्लिक आपको कितना मार्क्स देती है उसके ऊपर डिपेंड है। थैंक यू सो मच सर आपकी हमारे साथ बने रहने के लिए। जी सॉरी हमारे लाइन पे बने हुए हैं समीर जी, काफी टाइम से उनने हम देखते हैं ट्राई भी किया, बिल्कुल ट्राई भी किया उनने और वो लाइन पे ही होल्ड पे हैं और उनको एक बार कॉल ले लेते हैं, उनका अभी कनेक्ट हो जाएगा तो उनका ऑडिशन हो जाएगा।
समीर जी गुड मॉर्निंग, द नेक्स्ट सिंगिंग स्टार में आपका स्वागत है। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? समीर जी आपको हमारी आवाज आ रही है? कनेक्ट नहीं हुआ है। हाँ समीर जी को आई थिंक कनेक्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक उनके नेटवर्क प्रॉब्लम है ऐसा लग रहा है मुझे। हेलो समीर जी आपकी आवाज आ रही है हमें थोड़ा बहुत, लेकिन आपको हमारी आवाज आ रही है? वही तो उनका कॉल लग नहीं पाया, किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो गया। तो आज हमारा हाफ एन आवर का टाइम था हमने ऑडिशन के लिए, तो आज लगभग हमारा वो कंप्लीट होने खत्म हो चुका है, जिसका भी, हाँ, जिसका भी आज ऑडिशन नहीं हो पाया है तो सैटरडे 6 PM को आप ऑडिशन दे सकते हैं। हमारा संडे का हम कभी कभी संडे को रखते हैं, मे बी हम नेक्स्ट संडे को रखें या ना रखें, लेकिन सैटरडे को हमारा फिक्स है 6 to 7 PM में आप ऑडिशन देने के लिए आ सकते हैं। जिसके लिए आपको अभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बी लाइव एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों, तो ताकि आपका जो है लिंक पे क्लिक करते से ही आपका कॉल हमारे पास आ जाए। तो सॉरी यही करते हुए आज के लिए विदा होते हैं सबके। जी हाँ बिल्कुल जी, सब अपने जो है आसपास साफ सफाई रखें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।